नारायण सेवा संस्थान एवं सेवा परमो धर्म संस्थान द्वारा हृदय रोग एवं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त निर्धन एवं असहाय बच्चों का भारत के विभिन्न अस्पतालों में निशुल्क इलाज किया जाता है। मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष करता हुआ एक वर्षीय जीवन। सब इसके डॉक्टर साहब ने कोटा गए थे, वो हार्ट की ऑपरेशन की बताई, उसके खर्चे के मेरे पास है ही नहीं, बहुत कई इलाज कर करके थक गया मैं। एक बार अहमदाबाद भी लेके गया था, तो स्थिति भी है कि मैं 12 महीने के लिए हाल ही रहता हूँ, यही 15-16 हज़ार रुपये देते हैं 12 महीने काम करने, तो कहाँ से मैं इनके ऑपरेशन के पैसे लाऊँ, कहाँ से मैं मेरा खर्चा निभाऊँ, जमीन जायदाद है ही नहीं हमारे पास, ये काम धंधे कर करके हाल ही रहते हैं गाँव में। मजदूरी कर साल भर में 12 से 15 हज़ार रुपए कमाने वाला एक पिता, जिसे दो वक्त की रोटी के लिए भी दामन फैलाना पड़े, लोगों के सामने 1.5 लाख एक बेबस पिता के लिए ख्वाब से था। मेरे भाई है तो दो ही साथ, कई का साथ नहीं देने सकते, अकेला हूँ मैं, साथ कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे ऐसे हैं अकेले, मैं खर्चा नहीं होगा बाहर, बहुत खर्चे कर लिया मैंने, मैं गोली दवाई ला ला के मैं हाँ काम पे जाऊँ कि इसकी गोली दवाई लेने जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मेरी कोई व्यवस्था नहीं बैठ सकती। मकान तो सब एक एक झोपड़ी में रहता हूँ कच्ची, वो भी पूस की टापरी डाल रखी, पल्ले वल्ले डाल रखी। कच्ची झोपड़ी में रहने वाला पिता, जहाँ पेट भरना भी किसी चुनौती से कम न था, आखिर कैसे जुटा पाता इतनी बड़ी रकम। कहाँ से लाऊँ 1.5 लाख रुपये का, मेरे खर्चे नहीं, मेरे घर के आटा के पैसे नहीं मेरे पास, क्यों नहीं 1.5 लाख कहाँ से लाऊँ जी। सर आपसे यही निवेदन है हमारा कि हमारे बच्चों को कुछ भी आपसे मदद चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को बचाओ, आपसे यही मदद चाहता हूँ मैं उससे इसकी और सेवा कर नहीं पाया, आपसे मदद मांगने आया इसे। सेवा परमो धर्म ट्रस्ट मानो ले आया सवेरा नई जिंदगी का। इनने सब सुविधा करी हमारी, जयपुर गए हम, इनने सारी सेवा करके हमारे बच्चे को ऑपरेशन करवा के अभी इसी पोजिशन में अच्छा हो गया, और घर वाले परिवार पूरे सुखी हो गए, एक रुपये भी लगा हमारा कहीं ये पोजिशन में, ताकि बच्चे की कोई सांस नहीं थी हमारे। दुख के पलों को बुरे सपने की तरह भुला, आज खुश है जीवन और उसका परिवार। हमारा पूरे परिवार वाले खुशी हो गया था इन बातों में। पहले बच्चे बहुत दुख